आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रश्न क्लास 10 के एग्जाम में यूपी बोर्ड 2001 2003 2006 में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी दोहराया जा सकता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले, चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज फुल प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड ये पार्ट लेना है, इसको भी लाना है और इसको भी लाना है, ठीक। तो ले लेते हैं बाई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा, ठीक। आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहां पर हम अंश और हर में 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लेते हैं अंश और हर में 1 माइनस sin थीटा से गुणा करने पर क्या होगा, cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपान 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर, देखिए a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपान 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब क्या होगा भाई, यहां पर cos थीटा है तो cos थीटा और 1 माइनस sin थीटा है इनटू में, तो 1 माइनस sin थीटा उतार लेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा ना। यहां पर लिख सकते हैं फार्मूला कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या होगा, यहां पर एक cos थीटा ऊपर एक cos थीटा नीचे कट जाएगा, नीचे एक cos थीटा बच जाएगा, ठीक। क्या होगा, यहां पर ऊपर बचेगा 1 माइनस sin थीटा और अपान में बचेगा cos थीटा, तो फर्स्ट रिजल्ट तो ये आ गया, फर्स्ट रिजल्ट आ गया है पहला राइट हैंड साइड, ये देखो यहां पर, ठीक, 1 माइनस sin थीटा अपान cos थीटा आ गया ना यहां पर, तो ये फर्स्ट राइट हैंड साइड है, आ गया है। अब इसके बाद आपको इसको भी लाना है, कैसे आएगा, आपको अलग अलग कर लेना है, 1 को cos थीटा से और माइनस sin थीटा को भाग दे देना है, ठीक, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये बताओ 1 माइनस 1 अपान cos थीटा को क्या लिख सकते हो, sec थीटा ना, और sin थीटा बटे cos थीटा को tan थीटा लिख सकते हो, ठीक। तो ये आ गया सेकंड रिजल्ट, मतलब सेकंड राइट हैंड साइड, ठीक, इसका फर्स्ट राइट हैंड साइड है, ये सेकंड राइट हैंड साइड है, ठीक। तो ये आ गया, अतः सिद्ध हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक, यहां पर शो कर सकते हो, ठीक, फर्स्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड एंड सेकंड राइट हैंड साइड, ठीक। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज फुल प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।